नमस्कार दोस्तों, मैं हिमंत और आज हम बात करेंगे कच्ची हल्दी से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, हर कोई अपने घर में कच्ची हल्दी का उपयोग नहीं करता है, हर कोई हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों, हल्दी पाउडर के जगह जब आप थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे कच्ची हल्दी का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दोस्तों आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, कच्ची हल्दी का सेवन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है और कफ एंड कोल्ड होने से भी दोस्तों आपको बचाता है। कच्ची हल्दी का सेवन दोस्तों आपके ओवरऑल स्किन क्वालिटी को भी इंप्रूव कर देगा। दोस्तों कच्ची हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा मददगार होता है अल्जाइमर, हार्ट डिजीज और कैंसर से लड़ने में और उससे बचाव करने में। दोस्तों, साथ ही इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंटेड प्रॉपर्टी दोस्तों हेल्प करती है डिप्रेशन से बाहर निकलने में और डिप्रेशन ना होने देने में। इतना ही नहीं दोस्तों, कच्ची हल्दी का सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है दोस्तों और आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, कच्ची हल्दी के अनेक फायदे हैं दोस्तों जो कि मैं इस पूरी वीडियो में भी आपको नहीं समझा पाऊंगा। दोस्तों, कच्ची हल्दी में मौजूद करक्यूमिन का अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आप उसको थोड़ा सा ब्लैक पेपर के साथ ले सकते हैं, जिसे हम काली मिर्च भी बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप कच्ची हल्दी का जहां भी उपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर का छिड़काव कर दे, ब्लैक पेपर पाउडर का दोस्तों, तो आपको उसका और भी बढ़िया सा रिजल्ट देखने को मिले। कच्ची हल्दी का उपयोग करने के पहले अपने को कुछ बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि जब भी आप कच्ची हल्दी लाओ उसको अच्छे से धो लो, उसमें मिट्टी भी लगी रहती है दोस्तों, क्योंकि हल्दी ऐसा प्रोडक्ट है जो जमीन के अंदर निकलता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कच्ची हल्दी आपको ऑर्गेनिक मिलती है जो बिना केमिकल के उगाई जाती है तो दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है, उससे बेनिफिट भी आपको बहुत। दोस्तों, कच्ची हल्दी को अगर आप धो रहे हो बहुत बढ़िया बात है, धोने के बाद अगर आप उसके छिलटे भी निकालना चाहते हो, जैसे कि अपन अदरक के छिलटे निकाल देते हैं तो वो भी चलेगा दोस्तों, वैसे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, कच्ची हल्दी को आप किस कर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि अपन गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर किसते हैं वैसे आप कच्ची हल्दी को भी किस कर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अदरक का लच्छा होता है वैसे आप कच्ची हल्दी का लच्छा दोस्तों बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप कच्ची हल्दी का रोज रोज पेस्ट नहीं बना सकते तो आप एक ही दिन ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा पेस्ट बनाकर आप उसको डीप फ्रीज करके भी अपने फ्रीजर में रख के दोस्तों महीनों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मली हल्दी इस्तेमाल कर रहे हो वैसे आप कच्ची हल्दी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी में उसको पीसना पड़ेगा और उसको डीप फ्रीज करके दोस्तों अपने फ्रीजर में रख। बात की जाए कच्ची हल्दी का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो दोस्तों आप हल्दी वाला दूध भी उससे पी सकते हो, हल्दी वाली चाय भी उससे पी सकते हो, और आप कच्ची हल्दी को हर उस जगह इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर आप पाउडर वाली हल्दी का उपयोग करते हो। दोस्तों, सब्जी हो, कोई भी चीज हो, जहां हम पाउडर वाली हल्दी का उपयोग करते हैं वहां पर हम कच्ची हल्दी का भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची हल्दी ज्यादा माइल्ड होती है पाउडर वाली हल्दी के अपेक्षा, और कच्ची हल्दी में ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं पाउडर वाली हल्दी के अपेक्षा, जो कि हल्दी को पाउडर बनाने के प्रोसेस में दोस्तों खत्म हो जाते हैं। वो सारे गुण आपको इस कच्ची हल्दी में दोस्तों मिल जाएंगे जो आप अपने घर पे पेस्ट बनाकर यूज। कच्ची हल्दी का टेस्ट थोड़ा सा पंजंड होता है, हो सके आपको शुरुआत में वो अच्छा ना लगे, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब उसको डेली आप इस्तेमाल करोगे तो आपको भी उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। कच्ची हल्दी ओवरऑल बहुत ज्यादा बेस्ट है पाउडर वाली हल्दी की अपेक्षा। जहां भी आप पाउडर वाली हल्दी इस्तेमाल करते हो उस जगह आप कच्ची हल्दी का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपको कुछ दिनों में दोस्तों बहुत फर्क मिलने लगेगा। और किसी भी चीज का ज्यादा सेवन करना दोस्तों अच्छा नहीं होता, इसीलिए जितनी मात्रा में आप पाउडर वाली हल्दी का इस्तेमाल करते हो उतनी ही मात्रा में अगर आप कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपको बहुत कुछ फर्क दिखने लगेगा अपने आप में। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में उतना ही। जय हिंद।